हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाओएस। चलिए 10 सितंबर दैट इज टुडेज एडिटोरियल और इंपॉर्टेंट हेडलाइंस कवर कर लेते हैं द हिंदू की। सबसे पहले न्यूज़ क्या है, इंडिया चाइना टू टेक अप रिमेनिंग एलएसी इश्यूज। अब देखिए, कल हमने पूरा का पूरा एलएसी जो है वो कवर किया था, पूरा का पूरा बॉर्डर इश्यूज क्या क्या है, किस किस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो कवर किया था हमने। ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, ये सारी चीजें कवर की थी। तीन लाइंस हमने कवर की थी, मैकमोहन लाइन क्या है, जॉनसन लाइन क्या है, मैकडोनल्ड्स लाइन क्या है। तो ये सारी चीजें जिनकी भी मिस हो गई कल का वीडियो जा करके प्लीज देख लीजिए। अब देखिए, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी एक समिट होने वाली है। इसके पहले इंडिया और चाइना जो है हमारे अपने बीच के जो रिलेशनशिप है इनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वहां पर ड्यूरिंग दैट समिट हमारे आपस में बात हो सके। ठीक है, ये जो समिट है ये कहां पर होगी, ये समरकंद में होगी। समरकंद कहां पर है, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान जो है, देखिए उज्बेकिस्तान का ये मैप है, हमने पहले भी कवर किया हुआ है। उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, इसके बॉर्डर नेशन कौन कौन से, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान देखिए आरएलसी भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद। अब ताशकंद क्यों इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखिए शंघाई कॉरपोरेशन को भी एक बार देख लेते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन जो है 2001 में फॉर्म हुई थी, इट्स अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या करती है, इसका एम क्या है, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू मेंटेन पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। बस इसका इतना ही काम है। ठीक है, इसके मेंबर्स एक बार देख लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में मेंबर बने, फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान आर इट्स मेंबर्स। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2021 में ईरान जो है इसका मेंबर बना है। ठीक है, बाकी कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। एससी अलाउज बेल टू जर्नलिस्ट कप्पन। तो अब देखिए, कप्पन जो है इनको बेल मिल गई है। अब कप्पन के साथ इश्यू क्या हुआ था, ये सिद्दीकी कप्पन जो है बेसिकली केरला के एक जर्नलिस्ट हैं। ये जो हाथरस में इशू हुआ था 2 साल पहले उसको कवर करने जा रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें कर रहे थे कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इनको जो है यूएपीए एक्ट के अंदर जो है पकड़ लिया और ये बोला कि इनको जो टेरर फंडिंग हो रही है और ये जो है यूपी के लोगों को भड़काना चाह रहे हैं। 2 साल हो गए, अभी तक कुछ भी प्रोवोकेटिव, क्या प्रोवोकेशन की कोशिश कर रहे थे ये पुलिस प्रूफ नहीं कर पाई है। और इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, समटाइम्स प्रोटेस्ट आर नेसेसरी टू हाईलाइट डेफिशिएंसीज, तभी सुधार आएगा सिस्टम में। इस बेसिस पे कि अभी तक पुलिस कुछ प्रूफ नहीं कर पाई है, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, चलिए ये एक बार देख लेते हैं। हाँ, इस पेज में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है आर्मी इन अरुणाचल प्रदेश रिसीव मॉडर्न आर्टिलरीज। ठीक है, अब यहां पर ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, चाइना बेसिकली जो एलएसी वाला रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट कर रहा था। देखा थी कि भाई हमने भी शुरू कर दिया कि क्या पता फिर से वॉर करने आ जाए। ठीक है, तो हमने भी कई सारे फ्रंट्स में डेवलपमेंट किया है। किन किन फ्रंट्स में डेवलपमेंट किया है, पहली चीज तो कैपेबिलिटी फ्रंट में। कैपेबिलिटी फ्रंट में हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने आर्सेनल अपना बढ़ाया है। ठीक है, कि लड़ने आ जाए भाई, हमारे पास भी सब कुछ है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर जैसे दिए हैं कि एलएमजीज हमने परचेज किए हैं। ठीक है, 600 राइफल्स हमने परचेज किए हैं। ठीक है, सेकेंड हमने सर्वेलेंस फ्रंट पे जो है डेवलपमेंट किया। सर्वेलेंस फ्रंट पे हमने क्या क्या किया है, देखिए यूएवीज वगैरह का यूज कर रहे हैं। यूएवीज का फायदा क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का फायदा क्या है, रात दिन दोनों टाइम हम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने डेवलपमेंट की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पर हो रहा है, हिंटरलैंड एरियाज में भी हो रहा है और बॉर्डर एरियाज में भी हो रहा है। ठीक है, हेलीपैड बना रहे हैं कि भारी से भारी जो आपके हेलीकॉप्टर हैं वो लैंड कर सके। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है CH-47 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का। ठीक है, इसके बाद हमने मोबिलिटी फ्रंट पे भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, ऑल टेरेन व्हीकल्स वगैरह खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है हम मॉडर्नाइजेशन के काम कर रहे हैं एलएसी बॉर्डर्स पे। ठीक है, टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एडिटोरियल देख लेते हैं। पहला एडिटोरियल, एंड ऑफ एन एरा। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि क्वीन एलिजाबेथ II डाइड डे बिफोर यस्टरडे, सो दैट विल बी कवर्ड इन
एडिटोरियल इन द कमिंग फ्यूचर, आज ही इन्होंने कवर कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं कि जो प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जा सके। चलिए इसके बाद हम एक ये आर्टिकल देख लेते हैं, स्टेइंग द कोर्स। बेसिकली कल जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और कंसिडरिंग कि प्रेजेंट सिनारियो में थोड़ा इन्फ्लेशन कम हुआ है तो ऐसा माना जा रहा है कि वो पीक रीच करके अब दोबारा से नीचे आ रहा है, तो वी शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग जॉब्स, सस्टेनिंग ग्रोथ एंड एंश्योरिंग इक्विटेबल वेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था 8 साल में सबसे ज्यादा अप्रैल में था 7.8%, फिर उसके बाद जुलाई होते होते 7.6.7% तक आ गया। ठीक है, जो कि अभी भी जो हमारा टारगेट है कि 4 से 6% के बीच में रहना चाहिए, उससे ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन को परेशानी वाली बात है वो रूरल एरिया में जो इन्फ्लेशन ज्यादा है कंपैरेटिव टू अर्बन एरिया, इवन जो हमारा ओवरऑल एवरेज भी रहा है उससे ज्यादा रूरल इन्फ्लेशन रहा है। अब हाई इन्फ्लेशन से इश्यूज क्या क्या होते हैं, जो हाउस होल्ड की एबिलिटी होती है खर्च करने की या कोई चीज खरीदने की वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। जब डिमांड कम होगी तो ग्रोथ कम हो जाएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट का कम हो जाएगा, क्योंकि जो उनकी कैपेसिटी है ऑलरेडी प्रोड्यूस करने की उतना भी नहीं सामान बिक पा रहा है। ठीक है, अब प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मॉनसून जो है बहुत अनइवन रहा है, उसकी वजह से जो है हमारा प्रोडक्शन कम होगा, किसान जो है उसके पास सामान बेचने के लिए कम रहेगा, तो जब सामान बेचने के लिए कम रहेगा तो पैसा कम आएगा उसके पास, जब पैसा कम आएगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब परचेजिंग पावर कम हो गई, दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ अनइवन मानसून जो है वो पैडी और आपका जो पल्सेस है उनकी ग्रोथ कम होगी, जब पल्सेस और पैडी की ग्रोथ कम होगी तो फूड सप्लाई कम हो जाएगी, तो फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एक तरफ किसान के पास पैसा कम आ रहा है क्योंकि सामान बेचने के लिए कम है, दूसरी चीज जो पल्सेस और राइस का प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है, जनरली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो मेजर पार्ट है वो 45% पार्ट किसका है, फूड का है, तो अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखिए विथ रिफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस ओनली एज कंपेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, द WPI गिव्स लेस वेट टू फूड आर्टिकल्स। देखिए क्वेश्चन आया है 2010 पे, इस पे ना इसका आंसर है बी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स आप अपने एंड पे कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज सच एज फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स विच इंडियन कंज्यूमर्स बाय फॉर यूज। 45% लेकिन इसमें फूड है। आप कितने प्रकार के वो होते हैं देखिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एक होता है, एक एग्रीकल्चरल लेबर्स का होता है, एक रूरल का होता है और एक कंबाइंड होता है, रूरल अर्बन कंबाइंड। जो ऊपर के तीन है ये जो तीन है इनको लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वो कवर करता है, चौथा वाला जो है उसको कवर करता है एनएसओ। एनएसओ क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। बेस ईयर क्या है, 2012 है, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बेस ईयर जो है वो 2016 है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो CPI रूरल अंबर कंबाइंड इसको यूज करके अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को डिसाइड करता है। चलिए ये कवर हो गया, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स सच एज इंटरेस्ट रेट हाइक्स अलून कैन नॉट टेम इन्फ्लेशन। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक करने से इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। कल भी हमने आर्टिकल पढ़ा था कि जहां पर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं वहां पर RBI का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स क्यों हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है जिसकी वजह से आपका एनर्जी सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हुई है, फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। क्यों, क्योंकि वीट प्रोडक्शन का एक मेजर एरिया जो है वो यूक्रेन रशिया में बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि क्या करना चाहिए, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होनी चाहिए टू कंटेन इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग बेटर लॉजिस्टिक फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसी मूव्स सच एज एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज ऑन राइस। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं, द स्टार्क रीजन व्हाई बेंगलुरु इज सिंकिंग। अब सबको पता होगा कि रीसेंट टाइम में बैंगलोर में जो है बाढ़ आई है। अब ये सिर्फ बैंगलोर की प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड अर्बन फ्लडिंग। अब अर्बन फ्लडिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर में नहीं हो रही, कोई भी
स्टेट, कोई भी स्टेट की सिटी पकड़ लीजिए जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन, वहां पर ये प्रॉब्लम है ही है। दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है। अब इनके प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए, इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, मैं इस आर्टिकल को जल्दी से कवर करके नेक्स्ट आर्टिकल में आता हूँ जहां पर आपको मेजर चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर इन्होंने बताया प्रॉब्लम्स क्या क्या है। लेक्स और जो वाटरशेड एरिया है उनका इंक्रोचमेंट किया गया है, ठीक है, जो वेटलैंड्स है उनका डिस्ट्रक्शन हुआ है, ग्रीन कवर जो है आपका सिटी का वो कम हो गया है, ठीक है, जो लैंड है उसका कॉन्क्रिटाइजेशन हुआ है। अब लैंड कॉन्क्रिटाइजेशन होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, वाटर जो है ऊपर ही रह जाएगा, नीचे जा ही नहीं पाएगा, तो फ्लडिंग बढ़ेगी, ठीक है। अब एक और चीज इन्होंने बताई कि जब बैंगलोर एक्सपैंड कर रहा था एक्सपोनेंशियली, उस टाइम पे क्या हुआ, जो लैंड रिकॉर्ड थे बैंगलोर के उनके साथ टेम्परिंग हुई है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो लेक और कैचमेंट एरियाज थे उनको प्राइवेट प्रॉपर्टीज बना दिया गया, और उन प्राइवेट प्रॉपर्टीज में जो है आज की डेट में बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो, चाहे इकोनॉमिक जोन्स बना दिया गया हो। उसकी वजह से द नंबर ऑफ लेक्स और जो कैचमेंट एरिया था वो रिड्यूस हो गया। अब जब लेक और कैचमेंट एरिया रिड्यूस हो गया तो रेन वाटर जो आपका जो कुशन था एब्जॉर्ब करने का वो कम हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूट जो है, जितनी बड़ी सिटी को उतनी ज्यादा इंस्टीट्यूट होते हैं, तो कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहता, सब ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का जो इशू है वो रहता है। तो अब यहां पर हमको क्या करना चाहिए, एक तो हमको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसके नीचे सारे के सारे वर्क करें प्रॉपरली टूवर्ड्स फ्लड मैनेजमेंट। विच काइंड ऑफ फ्लड? अर्बन फ्लड मैनेजमेंट। दूसरी चीज क्या है, कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बढ़ेगा अगर अर्बन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। तीसरी चीज क्या है कि ब्लेम फिक्स किया जा सकेगा अगर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आ पाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे देखते हैं। देखिए ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में भी फ्लडिंग हुई थी तब भी सवाल पूछा गया था, अभी भी बैंगलोर में फ्लडिंग हो रही है, पूछा जा सकता है सवाल, सिटी स्पेसिफिक सवाल। जैसे दिल्ली में जब आपका बर्निंग ऑफ स्टबल बर्निंग पे इशू उठा था तो पूछा गया था, इसी तरीके से इशू पे मेंस में सवाल आ सकता है। व्हेन द आईटी कैपिटल वेंट अंडर, ये हेडिंग है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर किए हैं चलिए उनको देखते हैं। पहली चीज क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके इंपैक्ट क्या क्या है। अच्छा सॉरी, देखिए जो लास्ट वाला आर्टिकल है उसमें से कुछ टॉपिक छूट गया था, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक चीज क्या है कि अब जो हमारा ये जो फ्लडिंग है इसको मिटिगेट करने के तैयार काम क्या क्या है। सबसे पहली चीज क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है, यहाँ पर देखिए क्लाइमेट रेजिलियंस गो बियॉन्ड फ्लड कंट्रोल, ठीक है, उसको हमको इम्प्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करेंगे? पहली चीज तो जो ट्रांसपोर्ट की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है ना उसको कम किया जाए, ठीक है। पॉल्यूशन कैसे कम करेंगे? जो कार ट्रांसपोर्ट है उसको कम करो। कार ट्रांसपोर्ट कम करने का तरीका क्या है? बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दो और उसको चीप कर दो, ठीक है। अभी मेट्रो बैंगलोर में नहीं आई है, हम बैठे रहे कि नहीं जब बैंगलोर में मेट्रो आई है तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ बसेस एंड रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दूसरी चीज ट्री कवर को बढ़ाएं। ट्री कवर कैसे बढ़ेगा? पहली चीज जो अभी ट्रीज है उनको प्रिजर्व करें, दूसरी चीज नई ट्रीज उगाएं, ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करें। दूसरी चीज डी कॉन्क्रीट करें। क्या डी कॉन्क्रीट करें? आप घर के नीचे की तो आप प्लेटफॉर्म उतार नहीं सकते, तो एटलीस्ट जो पेवमेंट्स है वॉकिंग पेवमेंट जो है उनको कॉन्क्रीटाइज ना करके जो सीमेंट ब्लॉक्स आते हैं देखे होंगे आपने, जिनसे पानी जो है नीचे चला जाता है, दैट प्रमोट्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है, वो लगाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो गार्बेज सिक्रीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अनसेग्रीगेटेड गार्बेज है ना वो कहीं ना कहीं जो है ड्रेन्स में जाता है और ड्रेन्स को क्लॉग कर देता है, तो जो सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो हमने पढ़ा कि जो अनएक्सेप्टेबल कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं कैचमेंट एरियाज में, वाटरशेड एरियाज में, वेटलैंड पे, उन सबको रिमूव किया जाए जिससे कि जो रिस्टोरेशन है वेटलैंड का और टैंक बेड्स का रिस्टोरेशन वो हो सके, ठीक है। सॉरी गाइस, ये एक बार मिस हो गया था, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इस आर्टिकल में इतना ही है। चलिए लास्ट आर्टिकल ये वाला देख लेते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, प्रॉब्लम हुई मॉनसून से। मॉनसून में प्रॉब्लम क्यों हुई? मॉनसून में प्रॉब्लम हुई क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर हमको अर्बन फ्लड मैनेजिंग करनी है तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज इज अ ट्रुथ, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हो रहा है किस चीज़ में, मानसून के रेनफॉल में। कैसा कंसंट्रेशन होता है, टाइम वाइज कंसंट्रेशन हो रहा है, एरिया वाइज कंसंट्रेशन हो रहा है। पहले जो एक 5 to 6 months या 4 to 5 months के स्पैन में जितनी रेन होती थी एक रेगुलर इंटरवल्स में, वो एक लिमिटेड टाइम में होने लगी। विद इन 2 months में सबसे ज्यादा रेन हो जाएगी, फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ में नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। फिर पहले क्या होता था कि एक बड़े एरिया में रेन होती थी, अब क्या हो रहा है कि एक कंसंट्रेटेड एरिया में बहुत ज्यादा रेन हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल कर्नाटका से लेते हैं। कर्नाटका में ओवरऑल इंक्रीज जो हुआ है रेन का, वो सिर्फ 21% हुआ है, सिर्फ 21%। लेकिन जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज देखेंगे आप वहां पर 230% इंक्रीज हुआ रेनफॉल का, दैट टू इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। इसकी वजह से ये जो फ्लड वाली सिचुएशन है ये आई है, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात कही है, देखिए यहां पर कही गई है, ठीक है। इंट्रिकेटली कनेक्टेड लेक सिस्टम था। इंट्रिकेटली कनेक्टेड लेक सिस्टम क्या होता है कि जैसे पूरे के पूरे सिटी में कई सारे लेक्स हैं तो वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो होता क्या है, किसी एक लेक में जो पानी बहुत ज्यादा भर गया तो वो धीरे धीरे फ्लो करते हुए बाकियों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, ओवरऑल जो वाटर लेवल रहता है वो कांस्टेंट रहता है, कहीं ज्यादा हुआ तो वो खुद से बैलेंस कर लेगा। लेकिन अब हुआ क्या कि ये जो मैनेजमेंट खुद से करता था ये डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब क्यों हुआ, ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन डेवलपमेंट के कारण, कहीं पर जो वाटर फ्लो के बीच में बिल्डिंग बना दी आपने, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जैसे ही पानी एक लेक में भरता है वो ओवरफ्लो करता है। अब ओवरफ्लो करता है तो जो उसके कॉर्नर्स उन पर प्रेशर आता है तो जो लेक के बंड्स होते हैं, जो कॉर्नर्स उनको बंड्स बोलते हैं, वो ब्रीच कर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो वाटर फ्लो बाहर आ जाता है। अब जो उसकी कैपेबिलिटी थी रोक कर रखने के पानी की वो भी खत्म हो गई, तो एक लेक आपका कम हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरी चीज क्या होती है, अब देखिए दूसरी चीज हमको ये समझना पड़ेगा, अगर बहुत हैवी रेनफॉल होगी तो उससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, वाटर इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि एकदम से आ गया, तो उस पानी को निकलने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। दैट नीड्स अ पाथ आउट, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे हम, अभी तो हमने सारे के सारे जो पाथ थे उन सब में हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, तो अब इसको इंप्रूव करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है एनहेंसिंग द रिचार्ज कैपेबिलिटीज ऑफ द कैचमेंट एरिया, ठीक है। ये कैसे करेंगे हम, इनोवेटिव वाटरशेड, ठीक है, सम इनोवेटिव वाटरशेड इंटरवेंशन से। अब वाटरशेड इंटरवेंशन किस किस तरीके के होंगे, देखिए दो तरीके के होंगे। पहला क्या है कि जो वाटर रिटेंशन है कैचमेंट एरिया का उसको बढ़ाए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वाटर जो अभी आ रहा है, अब हो क्या रहा है, जैसे देखिए ये बाढ़ वाली सिचुएशन आ गई, इतना पानी आ गया, लेकिन वो पानी किसी काम का नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है उस पानी में मिले हुए हैं, ना पीने के काम का है, ना फार्मर्स के काम का है कि सिंचाई कर दें, किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। उल्टा इनकी वजह से और ज्यादा डिजीज होंगी, जैसे जैसे पानी जो है बाहर जाता जाएगा, ठीक है, तो जो क्लॉग्ड एरिया है वहां पर डिजीज पनपे कि मलेरिया हो सकता है, ये सारे इश्यूज और बढ़ेंगे। तो क्या है, दो काम करने, एक तो कैचमेंट एरिया में वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, दूसरी चीज वाटर जो है उसकी यूटिलिटी बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है, उसको प्योर करके, ठीक है। अब पहला वाला पार्ट जो कैचमेंट एरिया हम कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, उसको बढ़ाने का क्या तरीका है, जो जो ये एरियाज है ना जहां से वाटर फ्लो करता है इनके पास का जो एरिया है उसका ओपन स्पेस एरिया बढ़ाना है, ठीक है। ओपन स्पेस एरिया कैसे बढ़ाएंगे, या तो बढ़ाएं, दूसरी चीज ग्रीनरी उसके आसपास बढ़ाएं, दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ वाटर, एंड विथ रिडक्शन इन फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगा। जितना धीरे धीरे पानी फ्लो होगा उतना ज्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ठीक है। अब एक और चीज करनी पड़ेगी, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जब आप डिसेंट्रलाइज करेंगे तो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो बढ़ेगा, ओवर द टॉप फ्लो जो है कम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट क्या आया, मेक वाटर अवेलेबल फॉर लोकल्स। अब लोकल्स के लिए वाटर को अवेलेबल कैसे बनाएंगे, जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके और उसको रीयूज करके। अब इसके बाद क्या एक ऑप्शन आता है, जो लेक्स हैं आज की डेट में जितने भी लेक्स हैं उनमें एफ्लुएंस भरा हुआ है, बहुत गंदे लेक्स हैं, उनको साफ करना इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या हो रहा है, डिसिल्टिंग हो रही है, डिसिल्टिंग की जरूरत है उनको। सिल्टिंग क्या होती है कि उसमें मलबा नीचे भरा हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है पानी जो है अंडरग्राउंड जा ही नहीं पाता, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है क्योंकि तले पे जो है गंदगी जमी हुई है तो पानी नीचे नहीं जा पाता है, तो उसको बचाना है। तो उसको कैसे बचाना है, लेक्स की डिसिल्टिंग करनी है। डिसिल्टिंग के बाद क्या करना है,
इरेशनल अर्बनाइजेशन जो हुआ है उसकी वजह से जो ओरिजिनल स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं वो डिटोरियरेट हो गए हैं, तो जो इरेशनल अर्बनाइजेशन है उसको हटाना है, ठीक है। सेकेंडली जो है, जो वाटर चैनल्स थे इन लेक्स के, अभी हमने जो पढ़ा ऊपर में कि इंट्रिकेटली लिंक्ड थे, ठीक है, तो वो जो वाटर चैनल्स हैं उनको दोबारा से ओपन करना है जिससे कि रेन वाटर का जो वाटर है वो प्रॉपरली फ्लो कर सके, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई कि हम जो है इनको डिसिल्टिंग करेंगे, चैनल्स बढ़ाएंगे जिससे वाटर मैनेजमेंट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ यूजेबिलिटी ऑफ लेक्स जो है बढ़ानी पड़ेगी। अभी क्या होता है, लेक्स जो है ना लोग सोचते हैं कि तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, पानी ऐसे ही भरा हुआ है, क्या करेंगे इसका। तो अभी होता क्या है, जो सीवर का पानी है वो लेक्स में जाता है, उनकी वजह उसकी वजह से आपकी सिल्टिंग होती है, जो ग्राउंड रिचार्ज कैपेबिलिटी है लेक्स की वो कम हो जाती है। तो हमको जो सीवर का वाटर है उसको अलग करना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो पानी जो है नहीं जाए। अभी सीवर वाटर का फिर क्या करेंगे, तो हम सीवर वाटर जो है उसको पहले ट्रीट करेंगे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, और जो ये वाटर उसके बाद बचता है उसको नॉन ड्रिंकिंग यूज के लिए यूज करेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, इससे क्या होगा कि ओवर द टाइम जो लेक वाटर जो है वो प्योर हो जाएगा, और वो जो प्योर लेक वाटर है उसको हम मल्टीपल चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई, तो हमने एक तो लेक वाटर रिचार्ज की बात कर ली, कैचमेंट एरिया की बात कर ली, वाटर यूजेबिलिटी जो है बढ़ेगी लोकल्स के लिए तो वो और हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और चीज इन्होंने कही है यहां पर, कि जो आप वाटर की प्रेडिक्टिबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी कि कैसे पानी आ रहा, कहां से आ रहा, कितना पानी आ रहा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, वेस्ट वाटर कोई और देखता है, कोई और डिपार्टमेंट देखता है, फ्लड वाटर के लिए कोई और डिपार्टमेंट है, ग्राउंड वाटर के लिए कोई और डिपार्टमेंट, और ये सब जो है सिलोज में काम करते हैं। वी नीड प्रिडिक्टेबल मॉडल ऑफ बेंगलुरु इंटीग्रेटिंग वाटर, वेस्ट वाटर, फ्लड वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि जो वाटर सिस्टम है एक इंटीग्रेटेड वाटर सिस्टम होना चाहिए, जहां पर कि वेस्ट वाटर, फ्लड वाटर और ग्राउंड वाटर ये डिपार्टमेंट जो है सेपरेटली इन सिलोस काम ना करें, मिल करके काम करें, डेटा शेयरिंग हो जिससे कि सेंट्रलाइज मैनर में डिसीजन लिया जा सके कि ओके दिस ईयर वी माइट गेट दिस मच ऑफ रेन, दिस मच ऑफ एक्सेस वाटर वी मस्ट गेट, तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट वाटर, ठीक है, जिससे कि ये सिचुएशन दोबारा ना आए। तो गाइस आज के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ जगहों पे करप्शन वगैरह की बात की, वो सारी चीजें हम नहीं लिख सकते क्योंकि वी डोंट हैव एग्जाम्पल्स टू पुट इन, लेकिन अगर मेंस में कोई भी क्वेश्चन अर्बन फ्लडिंग से आता है तो आई कैन से कि जितना मैंने आज बताया उसमें आप उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, गुड डे, हैप्पी लर्निंग, कल फिर मिलेंगे।